Welcome back to another tutorial. In this tutorial we are going to make the third lower name for your videos to in After Effect. So सबसे पहले After Effect में मैंने composition बनानी है जिसकी मैंने जो है वो 1920x1080 इसकी हाई बिट रखी हुई है और इसको duration जो है वो तकरीबन मैंने 1 मिनट रखा है, 1 मिनट भी ज़्यादा है लेकिन मैंने रख लिया है. देन इसके बाद मैंने लिम ग्रीन कलर करा हुआ है बैक पे ताकि मैं इसको कोई की यूज़ करते हुए इसको हटा सकूँ. देन ओके. इसके बाद सबसे पहले मैंने न्यू और टैक्स बनाया जिसमें मैं अपना नाम या आप जो भी दिखाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं. देन मैंने कंट्रोल ए करते हुए इसको पूरा सिलेक्ट करा और यहाँ से मैं अपना फाउंट चेंज कर रहा हूँ. यहाँ से आपको जौन सा भी फाउंट जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं. देन आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने कौन सा कलर जो है वो यहाँ पर इसको करना है. मूव टूल लेंगे. अच्छा ये एरर आ रहा है, आप कैप्स लॉक ऑन है इसलिए एरर आ रहा है. मैंने इसको यहाँ ले आया, ठीक है. जिस लोकेशन में मुझे दिखाना है जाहिर सी बात है मैंने इसको वहीं रख लिया है. अच्छा अगर आप चाह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द जो एक स्ट्रोक या आउटलाइन आए तो आप इस कलर के बैक पे देख रहे होंगे कलर है, आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे यहाँ से आप उसके स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. ठीक हो गई बात. उसको मैं अभी 0% कर रहा हूँ और यहाँ से आउटलाइन नहीं लगा रहा, ठीक हो गया. अब देन मैंने यहाँ से लिया रेक्टेंगल टूल और मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा. लेकिन शेप ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने ये लेयर सेलेक्ट ना की हुई हो टेक्स्ट की, वरना जो है वो मार्क्स ड्रॉ होगा, शेप ड्रॉ नहीं होगा. तो अनसेलेक्ट करने के लिए यहाँ इस तरीके से क्लिक करें और मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इसी टेक्स्ट के साइज़ का. जितना बड़ा टेक्स्ट है मतलब जितनी इसकी हाइट है उतनी ही मैं इसकी हाइट भी यहाँ पर रख रहा हूँ और ज़्यादा उसको जो है वो विड्थ भी ज़्यादा नहीं दे रहा, ठीक है. अगर आपने गौर करा, अगर आपके पास भी ये चीज़ आए कि आपका जो इस शेप लेयर का सेंटर है वो ए पॉइंट वो कहीं और है, तो इसको आप पैन टूल यूज़ करते हुए, पैन बिहाइंड टूल यूज़ करते हुए आप इसको जो है वो सेंटर में ला सकते हैं. ये आपको यहाँ से अभी दिख नहीं रहा, ये रहा, इसको सेंटर में ला के रख लें क्योंकि अगर हमने हमें बाद में जो है काम करना होगा तो इसका सेंटर अगर गलत हुआ तो जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सेंटर में रख लिया. अच्छा मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ माउस को, माउस का जो बॉल है या रूलर है या व्हील है उसको मैं अप एंड डाउन जो है रूल कर रहा हूँ, तो उस तरीके से ही हो रहा है. तो शेप भी ड्रॉ हो गया. इस शेप क्लियर पर मैंने क्लिक करा और कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट जो है वो बना ली, ठीक है. मेरे पास 3 लेयर हैं, एक टेक्स्ट की और 2 शेप्स की, सेम शेप की, ठीक हो गई बात. अच्छा शेप जो 1 है उसको मैंने बोला कि तुम जो है शेप 2 के साथ मूव करना, जहाँ शेप 2 जाए वहाँ तुम भी वहीं जाना. तो मैंने यहाँ से इसका प्रीसेट में जाके यहाँ से इसको बोला क्या तुम शेप 2 के साथ चलना, ठीक है. अच्छा अगर आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हो तो आप राइट क्लिक, सॉरी यहाँ इस पे राइट क्लिक करके कॉलम्स और यहाँ से आप मोड जो है वो क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है. अच्छा फिर मैंने एक वो चीज़ भी की, मैंने बोला टैक्स जो हमारा टैक्स 2 है वो शो हो जब उसके ऊपर से लेयर 1 गुजरे, ठीक है. तो मैंने उसके लिए क्या करना हुआ, ये टार्क मार्क आप देख रहे हैं इसको मैंने यहाँ से अल्फा मैट कर दिया लेयर 1 के साथ, ठीक हो गई बात. तो क्या हुआ अब वो गायब हो गया, लेकिन अगर आप देखें मैं इसको मूव करूं इसकी पोजीशन को यहाँ से इसके ऊपर से गुजारूंगा, देखें आप थोड़ा सा आपको टैक्स दिख रहा है, ठीक होगी बात. अच्छा अच्छा मैंने क्या करा, मैंने लेयर 1 को बोला कि तुम लेयर 2 के साथ मूव करना, मींस कि अगर मैंने लेयर 2 को मूव करा इसके ऊपर से साथ तो ये भी आपके पास टैक्स दिखेगा. टैक्स अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो सेम लोकेशन पर. तो आपने गौर करी बात कि मैंने इसके ऊपर से मूव कर रहा हूँ तो टैक्स दिख तो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है और वो मुँह गायब भी हो रहा है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेप लेयर 1 को जो है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ जितना बड़ा मेरा टैक्स है. शिफ्ट के साथ इसको मैं मूव करूँगा इस तरफ ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो लोकेशन पर रहे. ये याद रहे आपका एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर इससे मिल रहा हो, आपके जो सेकेंड कॉपी ऑफ शेप है. शिफ्ट के साथ ही इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे भी,
और शिफ्ट के साथ मूव करूँगा इसको मैं, थोड़ा सा और बड़ा होगा ये, ठीक हो गया। अब ये पूरा आपका जो है वो टैक्स भी दिख रहा है। अब मैंने इसको उठाया लेयर वन को और यहाँ इस हाइट पे रख दिया ताकि इसके ऊपर से गुजरे तो पूरा टैक्स जो है वो पीछे से दिख जाए। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। शेप टू का मैं मूव करूँगा तो शेप वन भी मूव होगी, तो मैंने शेप टू को यहाँ तक मूव करा तो देखें आप इस तरीके से आपका टैग जो है वो पूरा शो हो गया। ठीक है, ये तो चलें हो जाएगा। अब बात करते हैं इस शेप लेयर की। जब आपकी स्क्रीन पे अगर ये डायरेक्ट ये चीज़ आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसके लिए मैंने क्या करा, स्केल में गया। स्केल में कैसे जाऊँगा, मैंने एस का जो की है वो प्रेस करा अपनी शेप टू पे और यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ ज़ीरो कर दिया कि जब भी जब स्क्रीन पे ये चीज़ आए तो ज़ीरो हो। ठीक है, देन एक सेकंड के बाद मैंने इसको बोला कि आप 100% हो जाना। ठीक है, अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो थोड़ा लेट आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए टाइम उठा के की फ्रेम उठा के पीछे कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा डिले है मेरी समझ में, मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसको स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट और मैंने जो इसको इजी मोड में कर दिया। देन आपके पास ग्राफ एडिटर आ रहा है, मैंने चाहिए उठा के इधर लाता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके जाना होगा ग्राफ एडिटर में। ये आ गया है कि मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा इस साइड कर दिया है, तो अब आप देखेंगे आपके पास जो है वो स्मूथली जो है वो अब ये चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, स्मूथली जैसे ही ये आएगी और उसी के फौरन बाद इसको मूव कर जाना है कि आपका टैग्स दिख जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक करा और पी जो है वो प्रेस करा कीबोर्ड में से, देन यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया और थोड़ा सा एक सेकंड बाद या 2 सेकंड के अंदर अंदर मैंने इसको मूव करा दिया इस तरीके से कि पूरा टैग जो है मेरे पास शो हो जाए। ठीक हो गई, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ रहा है। अच्छा, ये जो मूव हो रहा है मैं चाह रहा हूँ ये भी स्मूथली मूव हो, थोड़ा सा स्लो से जाके डाउन हो, तो मैंने राइट दोनों सिलेक्शन करी, की फ्रेम इजी मोड, देन मैं गया ग्राफ एडिटर में, इस वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा इस तरफ जो है मूव कर दिया। देन अब आप प्ले करते हैं और आप देखिएगा किस तरीके से जो है वो स्मूथली ये प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये प्ले हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अभी थोड़ी देर रुके, ये आया ये यहाँ रुकेगा, देन अब ये वापसी जाएगा, टैक्स पहले हटेगा और फिर जो है आपका जो ऑप्शन सॉरी वो शेप है वो भी चले जाए। ठीक है, तो फिर से मैंने यहाँ से एक की फ्रेम लगाया इस पॉइंट तक, भाई यही जो है पोजीशन रहे। ठीक है, देन जो है वो 3 सेकंड तक वापसी जो है ये चीज़ चली जाए कुछ इस तरीके से अपनी लोकेशन पे, ताकि जो टैक्स है वो आपका हट जाए। प्ले करते हैं और देखते हैं, ये आपका टैक्स आएगा और कुछ देर तक टैक्स रुकेगा और फिर थोड़ी देर बाद चले जाएगा। अगर आपने और थोड़ी लोकेशन बढ़ानी है तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करें और इस तरफ राइट साइड पर कर दें ताकि ये जो बीच वाला दरमियान में गैप है ये बढ़ जाए। ये आपका गया, ठीक हो गई। अच्छा, अब हम क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा जो है वो हिडन करना है ये चले जाए। तो इसमें मैं सिंपल एक तो वही कर सकता हूँ कि स्केल जो है वो वापसी ज़ीरो हो जाए, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक जो है वो लगाया की फ्रेम, पहले मैं देखता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट कहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म होते ही जो है वो ये गायब हो जाए। मैंने इसकी फ्रेम को उठा के यहाँ ले आया, ठीक है, एक ब्लैंक की फ्रेम लगाया अभी मैंने, ये समझ लें। देन थोड़ा सा आगे जाके मैंने इसको जो है वो मैंने इसका स्केल ज़ीरो कर दिया, तो ये डायरेक्ट इस तरीके से जो है वो चला जाएगा। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप टाइम थोड़ा सा कम कर लें, ठीक हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे अभी जो वो कर रहा हूँ वो है रोटेशन। रोटेशन का वो जैसे जैसे
कि यहाँ पे आके रुके तो रोटेशन होता हुआ ये कैब हो। तो मैंने यहाँ पे रोटेशन के लिए हमने क्या करा, लेयर पे क्लिक करके आर प्रेस करा तो रोटेशन जो है वहाँ पे आपके पास आ गई। देन मैंने की फ्रेम लगाया और थोड़ा सा आगे इसको मूव करा ताकि ये रोटेशन होता हुआ गायब हो। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर दिया, चाहे इतना कर लो कि टैक्स गायब ना हो, टैक्स आकर्ष होना हो, सॉरी। ठीक हो गई बात। तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छा जो है आपके पास यहाँ पे एनिमेशन होके आ गया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।